हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फंगल इन्फेक्शन कई प्रकार का होता है जिसमें दांत सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। साथ ही साथ एथलीट फुट की एक बीमारी होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से पैरों के अंदर जलन होना, पैरों के अंदर फफोले पड़ जाना, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा छाले पड़ जाते हैं और रूखी सी त्वचा हो जाती है। इस प्रकार की बीमारी को दूर करने के आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊँगा जो कि आपकी खाज खुजली की प्रॉब्लम और एथलीट फुट की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में जो आपके फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एथलीट फुट के इन्फेक्शन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा अद्भुत इलाज माना जाता है। यह बैक्टीरिया और फंगस दोनों को प्रभावित प्रकार से मारता है। एथलीट फुट इन्फेक्शन के उपचार के लिए आप पानी के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड को मिलाएं। इस मिश्रण से आपको अपने पैरों को भिगो कर रखना है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के अंदर आपके एथलीट फुट की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप दूसरा घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लहसुन की। दोस्तों, लहसुन के बारे में तो आप सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं, इसे एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन के अंदर एंटीफंगल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। इन गुणों के कारण लहसुन एथलीट फुट जैसे इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी इलाज के रूप में इस्तेमाल होता है। जिस तरह से आप दाद का इलाज करने के लिए लहसुन का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको एथलीट फुट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैतून या नारियल के तेल के साथ लहसुन का पेस्ट मिलाकर तैयार करें। जहाँ कहीं भी आपको इन्फेक्शन है या फिर आपको एथलीट फुट की बीमारी है, उस हिस्से पर आपको इसे लगाना है। 30 मिनट के बाद आपको अपने पैरों को सामान्य पानी से धो लेना है। नियमित रूप से आपको इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों के अंदर आपके एथलीट फुट की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप हमें वहां पर जाकर फॉलो करें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम को हल करने की। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।